हरे कृष्णा क्रिक्स, तो आज टॉपिक है अभी इस वक्त कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है। ठीक है, ये हमारा टॉपिक और हम करने वाले हैं टैरो के साथ रीडिंग की शुरुआत। सो लेट्स कनेक्ट, देखते हैं हमें क्या कार्ड्स मिलते हैं। जो पहला कार्ड हमें मिला है वो है नाइन ऑफ कप्स, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस। अगर हम इसकी बात करें तो ये पर्सन काफी खुश है, या फिर आपके साथ उसकी जो भी मनोकामनाएं हैं, इच्छाएं हैं, वो पूरी होते हुए उसे दिखती है। मसलन हम कह सकते हैं कि मे बी अगर आपने उनसे मिलने के लिए हाँ कहा है, या फिर अगर कोई मनमुटाव था तो वो भुलाने के लिए भी अगर आप रेडी हो, तो उनके मन में लड्डू फूट रहे हैं। ठीक है, ये एक विश कार्ड होता है। नाइन नंबर काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, तो मेरे हिसाब से ये व्यक्ति जो है वो काफी खुश है एंड खुश मिजाज है। अगर आप एक दूसरे से मिलने का प्लान बना रहे हो, या फिर आप दोनों के बीच की जो भी नफरतें हैं वो दीवारें टूट रही हैं, तो भी ये काफी बढ़िया है। अगर आप अपनी जिंदगी में इनके सिवाय भी अगर नई शुरुआत करने जा रहे हो जो कि इनके हिसाब से आपके लिए सही है, तो भी ये इनके हिसाब से सही होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई आपको एक्स बन चुका है, या फिर अगर ये इस दुनिया से ही पधार चुके हैं, तो भी वो आपके लिए ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, ऐसा हम यहाँ पे कह सकते हैं। लेट्स कनेक्ट, देखते हैं दूसरा कार्ड हमें क्या बतलाता है। एंड हियर वी गो, जो दूसरा कार्ड हमें आ चुका है वो है भी सिक्स ऑफ कप्स, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस। ये व्यक्ति आपको हमेशा सपोर्ट करना चाहता है। ये व्यक्ति आपके खिलाफ नहीं है, लेकिन इसे ये भी आपको बताना है कि हर बार ये आपके साथ रहेंगे ऐसा जरूरी नहीं है। कई ऐसे मोमेंट आते हैं जहां पे इनको आपसे दूर भी होना पड़ सकता है। वैसे में एक बहुत ही अच्छी फ्रेंडशिप ये आपके साथ निभाना चाहते हैं, तो आप इसे एज अ लवर भी काउंट कर सकते हैं। आप इन्हें अपना अच्छा दोस्त भी कंसिडर कर सकते हैं। नेक्स्ट कार्ड आ गया है, वो है फाइव ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। इस रिश्ते में ये पल भी शायद आप दोनों ने देखे हैं, जहां पे आप दोनों को ही एक दूसरे की कमी एंड खली महसूस हुई है, खली हुई है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम कह सकते हैं कि भाई इस रिश्ते में इस पर्सन ने बहुत कुछ देखा है। जब ये खुश थे, जब ये दुखी थे, जब उससे बात हो रही थी, नहीं हो पा रही थी, तो ये सारे मोमेंट इनकी जिंदगी में आ रहे हैं। और अभी अगर हम काउंट करें तो अगर ऐसा कुछ है कि इनके चाहने के बावजूद अगर आप इनसे बातचीत नहीं कर रहे हो किसी हालत में, किसी किसी रिश्ते में, तो ये कार्ड डायरेक्टली आपको फ्लेक्सिबली फिट बैठता है। ठीक है, बिकॉज हर कोई बात करता है, ऐसा जरूरी नहीं है। एंड जो नेक्स्ट कार्ड मिला है वो है द टावर। अगर हम इसकी बात करें तो टावर का मतलब है, जैसे मैंने कहा कि अगर आप मूव ऑन भी हो रहे हो तो भी आपके लिए खुश है, ये वाला वो कार्ड है जहां पे ये पर्सन आपके लिए प्रे कर रहा है। कई ऐसे रिश्ते होते हैं जो बन तो जाते हैं, लेकिन ये रिश्ते बिगड़ गए हैं ये मानने को कुछ लोग तैयार नहीं होते एंड अपने जिद पे अड़े रहते हैं। अगर ये जिद दोनों साइड से है, जैसे हम कहते हैं कि ताली एक हाथ से नहीं बजती, डेफिनेटली रिश्ता वर्कआउट करेगा। लेकिन अगर सिर्फ ये वन साइडेड है तो एक व्यक्ति को बहुत तकलीफ सहनी पड़ती है और दूसरा व्यक्ति भी इसी कारण सफर कर सकता है। तो ये वाला वो कार्ड है, अगर आपसे रेजोनेट होता है तो आप इस कार्ड को कनेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट जो हमें कार्ड मिला है वो है भाई सिक्स ऑफ वांड्स, एरीज, लियो, सैज। ठीक है, जैसे मैं देख पा रहा हूँ, जैसे अंडरस्टैंड कर पा रहा हूँ कि भाई ये व्यक्ति आपके साथ एक बहुत ही खुशनुमा पल बिताना चाहते हैं। फिर चाहे वो दोपहर की बात हो, शाम की बात हो, रात का वक्त हो, जहां पे भी आप कंफर्टेबल हो, इनके हिसाब से अगर आप दोनों साथ हो, दोनों खुश हैं, तो उससे बढ़िया बात और कोई भी हो नहीं सकती। नेक्स्ट कार्ड मिला है वो क्वीन ऑफ कप्स, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस। ये आपको बेसिकली खुश देखना चाहते हैं, मे बी जल्द ही आपके साथ प्रेगनेंसी एंजॉय करना चाहते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि ये व्यक्ति आपके साथ कहीं लॉन्ग टूर पे भी जाने के प्लानिंग्स कर रहा है। नेक्स्ट कार्ड है वो है टू ऑफ पेंटिकल्स। इनके हिसाब से अब आप दोनों के जिंदगी में, आप दोनों के सिवा कोई तीसरा व्यक्ति, यानी कि भाई मान लो आपके रिलेटिव हो गए या फिर कलीग हो गए, ये नहीं आने चाहिए। तो अगर फिजिबल है तो आप दोनों शायद ऑफिस से छुट्टी ले सकते हो, या फिर एक बहुत बड़े वेकेशन पे भी जा सकते हो।
एंड जो नेक्स्ट कार्ड आ गया है वो फोर ऑफ कप्स, कैसल, स्कॉर्पियो, पाइसेस। इनके हिसाब से इनको भी शायद एक चुनाव करना पड़ सकता है, और वैसे ही चुनाव की अपेक्षा वो आपके साथ भी कर रहे हैं कि अगर आपको इनका साथ चाहिए तो किसी को तो छोड़ना पड़ेगा। वो चीज हमें यहाँ पे क्लियर दिखती है। नाउ लेट्स सी कि इस ओरेकल में हमें क्या रीडिंग मिलती है। ठीक है, चलो करते हैं कार्ड की शफलिंग एंड ही विल चूज द कार्ड, जो कि है भाई, हाउ कैन आई एक्सप्लेन यू व्हाट यू मीन टू मी। देखिए भाई, ये पर्सन कंफ्यूज है या फिर आपको बता ही नहीं सकता कि आपको कितना प्यार करता है या फिर कितना वो आपको मिस कर चुका है। वो चीज़ हमें यहाँ पे क्लियरली महसूस होती है। सेकेंड जो कार्ड है वो है आई कैन नेवर फॉरगेट यू। ठीक है, ये उनके लिए है जो व्यक्ति आपके साथ नहीं है या फिर जिनसे आपका रिश्ता या फिर साथ छूट गया है, ये आपको कभी भी भुला नहीं सकते। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपकी अपनी निजी जिंदगी नहीं है। मसलन मान लो इनके फैमिली ने आपसे रिश्ता जोड़ने से इनकार कर दिया, ये अपने फैमिली से बहुत करीब है, मे बी फैमिली को कुछ हो सकता है अगर वो फैमिली की बात टाले, इसीलिए वो आपका साथ अगर नहीं निभा रहे तो आपको कह रहे कि भाई आप मूव ऑन हो जाओ, लेकिन मैं आपको कभी भी भूल नहीं सकता। ठीक है, निशु कार्ड आता है आई हाइड माई टीयर्स अंडर माई स्माइल। ये भी एक बात है, ऐसे भी कुछ लोग होते हैं जिनको हमें देख के लगता है कि भी इसमें तो बहुत बड़ा एरोगेंस है, लेकिन असल में बात कुछ अलग होती है। ये मैंने स्टोरी कई बार पढ़ी थी, इन कई बार बताई भी हैं कि दो लोग होते हैं, कपल फॉर्मेशन होता है, एक दूसरे से बहुत मोहब्बत प्यार करते हैं, एंड फिर एक दिन अचानक लड़की आती है और सबके सामने लड़के को बहुत भला बुरा कहती है, चली जाती है। लड़का उस वक्त घुटनों पे बल आता है, रोने लगता है, बारिश शुरू होती है, एंड फिर क्या होगा, 5 से 7 साल बाद ये इंसान खुद को एक बहुत ही महंगे गाड़ी में देखता है, और वही उसे उस लड़की के पिताजी दिखते हैं रोड पे चलते हुए। वो आराम से गाड़ी रोकता है, ड्राइवर से कहता है भाई रुक जाओ, बाहर आकर कहता है कि भाई देख लीजिए आज मैं कहाँ पे हूँ, और अगर आपकी लड़की ने मेरा हाथ थामा होता तो वो आज राज करती। लड़की के पिताजी रोने लगते हैं एंड कहते हैं कि दरअसल वो इस दुनिया में नहीं है, एंड फिर असलियत बताते हैं कि उसे कोई बीमारी हुई थी, मान लो कैंसर हुआ था, क्यूरेबल नहीं था, और आप उससे दुखी ना हो इसलिए उन्होंने ये चीज की। ये सुनते ही लड़का दूसरी बार रोने लगता है। तो कई बार हम हमारी हमारा जो दुख है वो छुपा देते हैं, बस वही बात इस कार्ड के थ्रू दिखती है। बाकी ये कार्ड हर एक से रेजोनेट होगा ऐसा जरूरी नहीं है, जिनको भी कार्ड रेजोनेट हुआ आप लाइक कर सकते हो। नेक्स्ट जो कार्ड है वो है भाई व्हाई यू डिडंट अंडरस्टूड योर लव नाउ आई रिग्रेट, व्हाई आई डिडंट अंडरस्टूड। कहीं ना कहीं पे ऐसा कोई व्यक्ति भी है जो अब पछता रहा है। जैसे मैंने कहा ना कि कुछ लोगों को लग रहा है कि भाई आपको मूव ऑन होना चाहिए, उनके हिसाब से भी जब आपने उनको प्यार जताया था, आपने उनके लिए सब कुछ निछावर करने के लिए भी खुद को रेडी किया था, इस पर्सन आपको आपकी कद्र नहीं की थी, और अब अगर दूसरे पर्सन के साथ है, दूसरे पार्टनर के साथ है, तब उनको आपकी कद्र महसूस हो रही है। आई हैव मेनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज अदर देन लव, ये एक एरोगेंस है जहां पे ये व्यक्ति कह रहा है कि सिर्फ प्यार ही नहीं, मेरे लिए और भी चीजें काफी इंपॉर्टेंट हैं। तो या तो ये व्यक्ति आपसे झूठ कह रहा है या फिर इस व्यक्ति को आपके लाइफ से दूर जाना है। नेक्स्ट कार्ड है आई मेड मिस्टेक्स व्हेन आई चूज समवन एल्स। यस, अगर ये व्यक्ति थर्ड पार्टी में था या फिर किसी कारण से है तो आपको बता रहा है कि भाई उसको बहुत बुरा लग रहा है कि इसने किसी और को चुना था, लेकिन अब समय जो है वो इनके हाथ से चला गया है, यही वो बात आपसे कहना चाहते हैं। अब देखते हैं फाइनली स्वीट ड्रीम से हमें क्या ड्रीम मिलती है। Let's connect to it, करते हैं shuffling and here we go। चलो क्या गया पहला कार्ड एंड दूसरा कार्ड। जो पहला कार्ड है वो है awaken, I awake feelings energy immersed and begin my day with। अगर हम इस कार्ड को देखें तो awake feeling energized and begin my day with gratitude। इस पर्सन को बहुत खुशी मिलती है जब वो आपका नाम लेते हैं एंड दूसरे दिन की शुरुआत वो बेहतरीन तरीके से कर पाते हैं। वल्नरेबिलिटी यानी कि भाई
I allow myself to be vulnerable and honor my inner grace, wisdom and beauty. ये आपके सामने अधूरे हैं, आपके बिना अधूरे हैं, और आपके सामने यू नो इनकी एक ऐसी छवि है कि बिना आपके ये कुछ है ही नहीं. ये एक रियालिटी है जो आपको बताना चाहते हैं. थर्ड जो कार्ड है वो है टाइमिंग. द टाइमिंग इज जस्ट राइट फॉर माई ड्रीम्स, डिजायर्स एंड गोल्स टू मैनिफेस्ट. हो सकता है अपने गोल्स या फिर अपने सपने सजाने के लिए इस पर्सन ने कोई नया रास्ता चुना हो, लेकिन उसकी कीमत उसको किसी भी हालत में चुकानी पड़ सकती है. एंड जो फाइनल कार्ड है वो है एक्सप्लोर. मे बी ये पर्सन आपसे बस किसी प्रकार से जुड़ा हुआ था एंड अब शायद जुड़ा रहना नहीं चाहता. ठीक है, अगर ये भी है तो भी आप उसे एक्सेप्ट कर सकते हो कि भी आप अपने रास्ते जा सकते हैं. और अगर ये पर्सन आपके साथ खुश है एंड कह रहा है कि मेरी जिंदगी की तलाश आप ही के साथ खत्म होती है, तो भी आप उसे एक्सेप्ट कर सकते हो. ये था आज का रीडिंग. आई होप इट विल रेजोनेट.